ऐसे लोगों पे भरोसा करोगी माँ तो खुद को ही चोट लगेगी, जैसे भाई के साथ हुआ था। Exactly my emotions, Rudra. आप इस प्रीशा के साथ, इसके साथ गिफ्ट गिफ्ट खेलने में लगी हैं। Very intelligent. रिच लोगों के घर में आई है दी, तो हमारे पैसों से अपने एक्स बॉयफ्रेंड की जेबें भर रही है ये। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो। प्रीशा, I really can't believe it कि तुम इस लेवल पे गिर सकती हो। मैं सच बोल रही हूँ, कम से कम प्लीज आप तो भरोसा कीजिए, मुझे नहीं पता था ये, मैं सच बोल रही हूँ। भरोसा किया था इसीलिए वो हार दिया था। तोड़ दिया ना भरोसा, तुम्हें मैंने क्या समझा था और तुम क्या निकली, सबकी नजरों में गलत साबित कर दिया मुझे। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं सच बोल रही हूँ। रेले, और तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ हैं क्या? आज हम सब ने तुम्हारी सच्चाई देख ली है, हमने भी और तुम्हारे माँ बाप ने भी। और तुम रुद, अब भी इसको हमारे घर में रखोगे ये सब कुछ देखने के बाद भी? आप लोगों को तो इसकी असलियत आज पता चल रही है, लेकिन मैंने इसका ये चेहरा बहुत पहले देख लिया था। ये कितनी खुदगर्ज, लालची और चालाक है। ये मुझे बहुत पहले पता चल गया था, और इसका कैरेक्टर क्या है ये भी। अरे तो फिर ये यहां पर खड़ी क्यों है? बाहर निकालो इसे, अभी के अभी इसे यहां से बाहर निकालो। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, हमारे साथ ही रहेगी। क्योंकि यही इसकी सबसे बड़ी सजा है, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं इसको। अभी तो इसको बहुत भुगतना है, बहुत तड़पना है। नहीं बाप्स, जब तक मैं ना कहूं ये हमारी फैमिली से अलग नहीं होगी। चलिए सब लोग। प्रशांत, सुनती रही उनका इतना सब कुछ क्यों, और हमें भी चुप करा दिया वहां पर, कुछ बोल ही नहीं पाए। और वो लोग समझते क्या है, वो लोग अपने आप को, पैसा इसका मतलब सब कुछ है, इज्जत सब कुछ उनके पास ही, हमारे पास कुछ नहीं है। गलती मेरी थी। तुम्हारी गलती नहीं थी, उस युवराज की थी, और तुझे उससे मिलने की क्या जरूरत थी, और वो भी अकेले यहाँ। रहने दो ना अम्मा, जो होना था वो हो गया, रहने दो। क्या रहने दो, अब कुछ नहीं होने वाला। सुनो, अब तुम खुराना हाउस नहीं जाओगी, तू चल अपने घर चल। अम्मा, फिर तो ये साबित हो जाएगा ना कि मैंने ही वो हार युवराज के साथ मिलकर चुराया है, जबकि मुझे खुद को नहीं पता कि वो हार युवराज के पास आया कैसे। प्लीज अम्मा, जाने दो ना मुझे। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, तुझे क्या लगता है वो लोग बहुत इज्जत देने वाले, तुझे तुझ पर विश्वास करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा करना। चल, और वो रुद्राक्ष, राक्षस क्या बोला कि देखो मैं कैसे तंग करने वाला हूँ, उसे अपने पास रखूंगा और तंग करूंगा। और उसका बाप वो बलराज कैसे चिल्ला रहा था, हाँ बेल्ट आए दिला,
तो चल मेरे साथ। कैसे चलूं अम्मा, खुद से पहले सारांश के बारे में सोचना है ना। हाँ तो अच्छा है, सारांश भी उस राक्षस रुद्राक्ष के साथ नहीं रहेगा, दूर ही रहेगा ना, अच्छा ही है। अम्मा रुद्राक्ष को लीगली कस्टडी दी है सारांश की। तुम तो गलती की तूने, रुद्राक्ष इतना भी बुरा नहीं है। आज आपने देखा ना कैसे उसने सारांश को टिया के साथ भेज दिया, ताकि सारांश के सामने मेरी बेइज्जती ना हो। और वो सारांश के लिए बहुत अच्छा है, उसका ख्याल रखता है, उसे खुश रखता है, उसके साथ बच्चों की तरह मस्ती करता है। यही चाहिए था ना सारांश को, कि कोई हो जो उसके साथ पिता की तरह रहे, उसका ख्याल रखे। अम्मा सारांश खुश है अभी, मैं उसकी ये खुशी कैसे छीन लूं। तेरी खुशियों का क्या? हाँ कुछ नहीं ना अम्मा, मेरी खुशी सारांश से है, वो खुश मैं भी खुश, और अब तो माँ है ना, आपसे ज्यादा ये बात कौन समझेगा। हाँ प्लीज मुझे जाने दो ना सारांश के लिए। नडक करना अच्छा नहीं लग रहा, कितना सब कुछ सुनती हो तो मुझे इस तरह अकेला छोड़ने का मन नहीं कर रहा करना। आपने अपनी बेटी को बहुत स्ट्रांग बनाया ना, मैं ठीक हूं और सब ठीक कर दूंगी, बस युवराज को मुझसे दूर रखना होगा। ये सब गाड़ी में रख दो। आप ठीक हो ना? हाँ बच्चा मैं ठीक हूँ, मम्मा को क्या होगा? पर आपको सब डांट रहे थे तो मुझे डर लग गया था। डरते नहीं है बच्चा, लोग उन्हीं को डांटते हैं जिनसे प्यार करते हैं। मैं भी आपको कभी कभी डांटती हूँ ना। हाँ पर जब गलती करता हूँ तो। आपने भी कोई गलती की थी? कभी कभी किसी की गलती नहीं होती, गलत फहमी होती है, मेरे साथ भी वही हुआ, पर अब मैं ठीक हूं ना। पर आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हो, सच्ची में सब तो ठीक है ना? हे वेंकटेश्वरा, अब रुद्राक्ष कुछ उल्टा ना बोले वरना सारांश बहुत डर जाएगा। टेंशन मत ले, सब ठीक। आश, थैंक यू वेंकटेश्वरा। अच्छा मम्मा, आपने सॉरी बोला रुद्राक्ष को? नहीं बोला ना? मौका ही नहीं मिला। अब बोलता हूँ। मेरे साथ चलो ना। क्यों? अरे चलो ना एक बार, चलो चलो। बोलो मम्मा। बहुत टाइम से कुछ बोलने का ट्राई कर रही हूँ लेकिन तुम आई एम सॉरी, बंटी और पिया को लेकर जो भी मैंने ब्लेम किया गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। मान लिया ना सॉरी, मम्मा को माफ कर दिया ना? सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए गलती माफ करती। जल्दी से पैकिंग कर दो। ओके बच्चा। हे गाइस, क्या चल रहा है? प्रीशा, सारांश हमारे साथ जाएगा। इट्स ओके, मैं सारांश को। रिलैक्स प्रीशा,
सर बाला है वो मेरा, उसी की वजह से तो शादी हुई है, इतना हक तो बनता ही है ना। सो डोंट वरी, हम उसको ड्रॉप कर देंगे। अम्मा जल्दी आना। हाँ बाबा जल्दी आ जाओ, आप घर जाके आराम कर लेना। ओके चले। चलो गाइस सी यू, बाय मम्मा। सुना मुझे बताया कि तुम वहीं जा रही हो और अनस के यहाँ। हम सबकी एक ही मजबूरी है बट बी केयरफुल, ये लोग तुम्हें बहुत परेशान करेंगे, खासतौर पे ये रुद्राक्ष। और तुम जानती हो ना हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी हो कुछ भी, जस्ट गिव अ कॉल, एक फोन कर देना बस। ओके अम्मा, अमाड़ा का ना तुझे छोड़ देते हैं। चल अम्मा रहने दो ना, आप टेंशन मत लो, वैसे भी मुझे वहाँ अकेले ही रहना है ना। तुम हमारी बेटी हो ना। वसु ऋषा ठीक कह रही, जाने दो इसे, जरूरत पड़ी तो हम कल इससे मिलने जाएंगे ना वहाँ। अपना ध्यान रखना और वहाँ पहुँचते ही फोन करना और हमको बताना कि तुम ठीक हो। ओके कना,